हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मोडस्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो सफ़ेद कलर का दरवाज़ा था, वाइट कलर का जो डोर था, वो खुल नहीं रहा था। दरअसल वो जाम हो गया था, तो उसको बदलवा दिया गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, तो मैं इनको बोल देता हूँ, मैं इनसे एक बार बात कर लेता हूँ। तो हाँ भाई, क्या चक्कर है? तो यार, इसने बोला है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने लैमार की लोकेशन जो है वो ट्रेस पे लगा दिया। देख लो आप, वो देख रहे हो, वो पहले भी कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, लेकिन अब उसने ना लैमार की लोकेशन ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम लोग चलते हैं अपने पीडीएम पे, क्योंकि लैमार के चक्कर में हम लोगों ने अपने बुलेरो की भी डिलीवरी नहीं ली। तो पीडीएम पे चलते हैं और मैं मिलता हूँ वहाँ पे जाके सीमोन से, और जिमी को भी हम लोगों ने वहीं पे बुला लिया है। क्योंकि मैं एक बार लोकेशन लगा लेता हूँ पहले, तो क्योंकि दरअसल बात ऐसी है, अगर हमें हमारी बुलेरो मिल जाती है तो हम लोग जिमी को ये गाड़ी थमा देंगे और वो लेके चला जाएगा। और अगर नहीं मिलती है हमें हमारी बुलेरो, तो फिर हम जिमी के साथ अपने घर पे चले जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि आज शाम तक इन एनी कंडीशन, किसी भी हाल में ये लोग हमें लैमार की लोकेशन पता करके देंगे। तो आई होप यार, भगवान से दुआ करना कि हो जाए, लैमार की जो लोकेशन है वो पता हो जाए। और जैसे ही पता चल जाता है तो हम देखते हैं उसके बाद फिर। तो मैं एक बार चलता हूँ पीडीएम पे, और पीडीएम पे चलने के बाद मैं मिलूँगा वहाँ पे जिमी से। उसने बोला तो था कि वो आ गया होगा वहाँ पे, उसने बोला था कि वो हमसे पहले पहुँच जाएगा। तो अच्छा, ये पहुँच गया, चलो अच्छी बात है। तो मैं गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और बैग आ जाता हूँ यहाँ पे। और अंदर मैं पहले जिमी को बता देता हूँ कि भाई तू ये गाड़ी जो है वो लेके जा सकता है, क्योंकि आप अंदर देख पा रहे होंगे कि हमारी जो बोलेरो है वो यहीं पे है। तो हाँ भाई, जिमी मुंह फेर के क्यों खड़ा हो गया? तो चलो यार, मैंने जिमी से बात कर लिया और ये अब चला जाएगा यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि इसे यहाँ पे किसी से मिलना है। तो थोड़ी देर बाद ये गाड़ी लेके यहाँ से चला जाएगा। और सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी सिमोन ने अरेंज की है यार। देखो, दरअसल ये सिमोन ने अकेले ने नहीं की है, ये माइकल की देन है, क्योंकि इतने अच्छे काम सिर्फ माइकल ही कर सकता है। तो मैं चलता हूँ, अपनी बुलेरो को बाहर निकालता हूँ यहाँ से। और अब दरअसल हम लोग अपने मेंशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है, जैसे ही मैं जिमी से बात कर रहा था ना, तो बैलास गैंग के बंदों का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बोला है कि लैमार की जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है, और उन्होंने दो तीन बंदे भी भेजे हैं मेरे लिए। तो मैं एक बार उनके पास चलता हूँ और उसके बाद ही हम लोग जाएंगे लैमार के लिए। तो पहले मैं उन बंदों को पिकअप करूँगा वहाँ से, ताकि हमें दिक्कत ना आए लैमार को लेके आने में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार वहाँ पे। तो उनकी लोकेशन यहीं पे है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और वो मुझे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यार ये है कि हथियारों के साथ हैं वो, तो यहीं पे पेट्रोल पंप पे ही बताया था उसने मुझे। तो यार ये तो अच्छी बात है कि जो सीमोन है ना, उसने हमारी गाड़ी को ना बुलेट प्रूफ बना दिया एकदम। तो मैं एक बार चलता हूँ इनको, मैं बैठा लेता हूँ यहाँ से, मैं इनसे बात करता हूँ पहले तो। हाँ भी प्रधान जी, चले। तो यार ये हो गई है बात इनसे, तो ये चलते हैं हमारे साथ। मैं बैठता हूँ गाड़ी में और ये भी बैठ जाएंगे। यार बस इनका ना ये दिमाग खराब है बेवकूफों का। इधर भी दरवाजे हैं भाई, इधर भी सीट है, इधर भी तो बैठ जाओ यार, कोई आ जाओ भाई। तो चलो भाई, दोनों आ जाओ भाई, चल। तो चलो यार, अब चलते हैं। तो आप लोग, मैं एक बार लोकेशन लगा देता हूँ लैमार की। ये हमें लोकेशन मिल गई है, जो ग्रीन डॉट दिखा रहा है ना, यहाँ पे है लैमार। उन लोगों ने लैमार को वहाँ पे किडनैप करके रखा है, और आई होप यार उन्होंने कुछ किया ना वो लैमार को, क्योंकि अगर उन्होंने लैमार को कुछ किया ना, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं ना उनको दिखाऊंगा यहीं पे। और अब ये गैंगस्टर तो बचने वाला नहीं है, चाहे लैमार को कुछ किया हो या नहीं किया हो, अब कोई सुलह नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वॉर होगी, और वो भी बहुत बड़ी वॉर होगी यार। क्योंकि इन्होंने ना लैमार को बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि जो बुलेरो है यार, वैसे तो बुलेरो हमारी है, लेकिन उस गैंगस्टर को ना ये पसंद आ गई थी, तो इसलिए उसने ना इसको चुराया था। तो एक सेकेंड मैं ना देखता हूँ, आई थिंक वही है। ओ भाई, सिक्योरिटी देख रहे हो आप?
एक दो तीन, कितने खतरनाक बंदों की सिक्योरिटी भाई, देखो कितने ना खतरनाक तरीके से खड़े हैं यार। ऐसी सिक्योरिटी हमने कहीं भी नहीं देखी भाई। एक ये सिर्फ ये बंदा गन को पकड़े खड़ा है आराम से, और ये देखो कितने हाथ फैला के खड़े हैं। तो यार देखते हैं एक बार। तो चलो यार अभी मैं चलता हूँ वहां पे, एक बार मैं देखता हूँ। तो हम लोग यहाँ नहीं इतनी यार। ओ भाई भाई ये क्या हो गया भाई, यार इन्होंने तो दूर से ही फायरिंग स्टार्ट कर दी भाई। तो मैं सीधा गाड़ी को पीछे लेके चलता हूँ। भाई बंदे दो चार हैं लेकिन बहुत खतरनाक है यार। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुको, तुम्हारी तो मैं ना यार। नहीं, एक तो अभी भी बचा हुआ है भाई। खत्म, सारे खत्म हो गए भाई। तो मैं अभी ना एक सेकंड रुको, मैं एक बार देखता हूँ। आई थिंक यार लेमार की ही आवाज आ रही है। मैं इसको ना गाड़ी को खोलता हूँ एक बार, मैं इसका टंक खोलता हूँ एक बार। तो यार यहाँ पे ना हमारा एक साथी, तो हमारा यार एक साथी तो मर भी चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेमार के लिए बैलास गैंग का एक आदमी तो मरा है ना, कोई बात नहीं है, देख लेंगे यार उसका भी कुछ करते हैं। तो नीचे चल के देखता हूँ पीछे भाई। जिस हिसाब से यार लेमार की आवाज़ आ रही है ना, बहुत मारा होगा यार इन लोगों ने। ओए भाई भाई यार, मैं एक सेकेंड यार, मैं अपना फ़ोन निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत टॉर्चर किया यार इन लोगों ने। तो मैं लेमार को फटाफट अपनी गाड़ी में डालता हूँ, और हम हॉस्पिटल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने इनको तो यहाँ पे फेल दिया है, लेकिन अब जो गैंगस्टर है ना वो हमें छोड़ेगा नहीं, और वो हॉस्पिटल पे भी हमला करवा सकता है अगर हम लेमार को वहाँ पर लेके जाएंगे। तो मैं सीधा ना लेमार को अपनी गाड़ी में डालता हूँ। और ये लोग यार, अरे यार भाई क्या हो गया, ये लोग ना इस ट्रक को लेके चले जाएंगे, मैं इनको बोल दूंगा। तो मैं लेमार को डालता हूँ अपनी गाड़ी में। तो यार मैंने लेमार को यहाँ पे गाड़ी में डाल लिया है, और मैंने ना वहाँ पे अपनी आंटी के पास भी फ़ोन कर दिया है कि लेमार ना बहुत ज़्यादा घायल है, तो घर पे थोड़ी सी सुविधा करके रखे। और वैसे तो यार मैंने ना वहाँ पे सारी सुविधा करवा दी है, सारे हॉस्पिटल के जितने भी जो कुछ पैड वगैरह थे, जितनी भी जो खाट वगैरह, जो भी इसको यूज में चाहिए ना हॉस्पिटल का, जो जो मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने होम पे ही, अपने जो पुराने घर पे ही अरेंज करवा दिए। क्योंकि सिर्फ हमारा पुराना मेंशन ही ऐसा है जिसकी उसे, क्योंकि यार हमारा पुराना मेंशन ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग फ्रैंकलिन को रख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ आगे से एकदम, और एक बार पहुँचते हैं यार। और अब ना मैं माइकल को भी कॉल कर देता हूँ, क्योंकि माइकल मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, और वो कुछ डॉक्टर्स वगैरह को भी ले आएगा वहाँ पर, ताकि लेमार को हम लोग बचा सकें।
और यार बहुत ज्यादा धोया है लेमार को, इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। तो एक बार मैं पहुंचता हूँ अपने मेंशन पे यार, तो यहाँ से ना फ्रैंकलिन का घर भी तो बहुत दूर है यार, पुराना घर भी बहुत दूर है, नया तो बहुत ही ज़्यादा दूर है लेकिन पुराना भी बहुत दूर है। तो हम एक बार पहुँचते हैं घर पे, और तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और मैं तुरंत से ना लेमार को अंदर लेके चलता हूँ। तो मैं पहले तो अंदर चल के ये देखता हूँ कि जो चीज़ें थी वो अरेंज हुई या नहीं हुई। तो हाँ यार चीज़ें तो अरेंज हो गई हैं लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं एक बार लेमार को अंदर ले आता हूँ। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेम प्ले के साथ और अपनी जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को आगे जानना है कि क्या होता है क्या नहीं, तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।